जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश पोएम राइटर नेम का हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। राइटर नेम यदि आप याद करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा। ये पोएम पोएट्री का और प्रोस का भी 5 नंबर, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में एकदम ट्रिक से याद करेंगे, तुरंत इसी वीडियो में आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिक से, लाजवाब ट्रिक है। देखिए हम नीचे से ट्रिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए माई ग्रैंड मदर, देखिए यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस बिल्कुल लाजवाब ट्रिक है। देखिए माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब कौन सी होता है? दादी। ग्रैंड मदर मतलब कौन सी होता है? दादी। माई ग्रैंड मदर, तो दादी कैसी है? मेरी दादी कमाल की है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए कमाल, कमला दास, ठीक है, कमाल की है, कमाल से हो जाएगा कौन सी? कमला दास। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी कैसी है? कमाल की है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी कैसी है? कमाल की है, हो गया याद। चलिए आगे, स्नेक, स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। स्नेक मतलब होता है सांप। तो सांप, देखिए सांप, किसी को सांप काट लिया, क्या काट लिया? सांप। तो सांप काट लिया तो क्या? ले जाओ, देखिए धनबाद ले जाओ, देखिए डी एस से हो जाएगा धनबाद, धनबाद ले जाओ, एल ए से ले जाओ, ठीक है। तो किसी को सांप काट लेगा तो कहाँ ले जाना है? धनबाद ले जाना है, ठीक है, धनबाद ले जाना है। स्नेक, स्नेक मतलब सांप, सांप काट लेगा कहाँ ले? धनबाद ले जाना है, धनबाद ले जाना है। चलिए देखिए अगला, अगला देखिए बहुत बहुत एकदम आसान है। फायर, देखिए यहाँ पर फायर, फायर हाइम, फायर मतलब होता है आग, फायर मतलब क्या होता है? आग। ये देखिए बिल्कुल एकदम आसान है, आग को किससे बुझाना है आपको पता है? दारू से। यहाँ देखिए आग को बुझाना है आपको दारू से, आग को बुझाना किससे? दारू। फायर मतलब होता है आग, आग को बुझाना किससे? दारू से। तो याद कर सकते हैं, जैसे ही फायर देखिए समझ जाइए कौन सी, आग, आग को बुझाना किससे? दारू से। चलिए ये तो दारू से हो जाएगा, केकियन दारू वाला, केकियन दारू वाला, केकियन दारू वाला। अगला देखिए मिकावटी द मिस्ट्री कैट, मिकावटी द मिस्ट्री कैट, मिकावटी द मिस्ट्री कैट। देखिए यहाँ पे कैट, कैट मतलब क्या आता है? बिल्ली। कैट मतलब यहाँ एक वर्ड है, देखिए कैट, कैट मतलब तो आप सब जानते हैं, कैट मतलब होता है बिल्ली। तो बिल्ली कैसी रहती है? इडियट रहती है, इडियट, इडियट, इडियट से आप यहाँ याद रखिएगा, टी एस एलियट। बिल्ली जो है ना बहुत इडियट रहती है, दूध दूध पी जाती है ना, तो ये सब। तो कैट कैसी रहती है? इडियट रहती है, तो एलियट याद रखिएगा, टी एस एलियट, ठीक है। टी एस का, टी एस एलियट, टी एस होता है थॉमस स्टर्न एलियट, टी एस एलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न एलियट। तो कैट कैसी है? कैट, कैट है, कैट जो है ना इडियट होता है, इडियट, इडियट, तो टी एस एलियट। अच्छा अगला, अगला है सोल्जर, सोल्जर मतलब क्या होता है? सोल्जर, सोल्जर, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर मतलब, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर मतलब क्या होता है? सोल्जर मतलब होता है सैनिक, सोल्जर मतलब क्या होता है? सैनिक। तो सैनिक देखिए, सैनिक क्या करता है? सैनिक क्या करता है? ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो सोल्जर क्या करता है? सबको जो भी सामने में आता है, कठिनाई आता है, सबको तोड़ उड़ देता है, सबको कठिनाई क्या देता, कर देता है, तोड़ देता है। तो सोल्जर हो गया ऐसे, सोल्जर, सोल्जर क्या करता है? सब कठिनाई को तोड़ देता है, सबको तोड़ ताड़ देता है, ठीक है, आदमी उदमी को सबको तोड़ देता है सोल्जर। सैनिक, सैनिक क्या करता है? सबको तोड़ देता है। तो याद रख सकते हैं, सोल्जर सैनिक, सैनिक तोड़ देता है, सोल्जर सैनिक, सैनिक क्या करता है? तोड़ देता है। अच्छा ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब बोल रहे हैं ये इतना, मतलब आप हंसी नहीं रुक पाइएगा इसका। जी देखिए एन इपिताफ, एन इपिताफ, देखिए यहाँ पे इपिताफ, यहाँ एक वर्ड है पिता, देखिए यहाँ पे पिता, पिता एक वर्ड है यहाँ पे पिता, पिताजी, पिता मतलब पिताजी, पिताजी क्या करता है? ये ट्रिक है, ट्रिक, ये वास्तविकता से नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा ट्रिक क्या करता है? दे, यहाँ देखिए दे लात, दे लात, दे लात मारता है, मारे, हाँ देखिए यहाँ पे दे लात मारता है, यानी पिता, पिता, पिता क्या करता है? दे लात मारता है, पिता, ये ट्रिक है, पिता, पिता दे लात मारता है, ठीक है, दे लात क्या करता है? मारता है, याद हो गया। आगे, आगे देखिए ऑटम, ओ टू ऑटम, ऑटम, तो ऑटम देखिए ऑटम, यहाँ एक वर्ड है देखिए ऑटो,
ऑटो 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 में क्या, ऑटो में बचपन में हम लोग ऑटो में क्या करते थे, कुछ खाते थे, ईट 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 ईट। ऑटो ऑटो में क्या करते हैं, खाते हैं। ऑटो में क्या करते हैं, खाते हैं। ऑटो में बैठ कर, ऑटो में बैठ बैठ के खाते थे बचपन में। तो ये हो गया ऑटो, ऑटो ईट। ऑटो क्या करते हैं, खाते हैं। ऑटो क्या करते हैं, खाते हैं। ईट जॉन किड्स, ईट से याद रखिएगा, जॉन किड्स, ईट से याद रखिएगा, जॉन किड्स। तो ऑटो क्या करते हैं भाई, खाते हैं। खाते इस इंग्लिश क्या आता है, ईट। तो जॉन किड्स। अच्छा अगला, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा फॉलिंग मतलब क्या आता है, फॉलिंग मतलब, फॉलिंग मतलब होता है गिरना, फॉलिंग मतलब क्या आता है, गिरना। तो पत्ते अब गिरने लगे हैं, पत्ते क्या करने लगे, पत्ते गिरने लगे हैं। क्यों गिरने लगे हैं पता है, क्योंकि पत्ते अब गिरने लगे हैं। क्यों, हाँ क्योंकि लकड़ी क्या हो गया, कमज़ोर। लकड़ी क्या हो गया, कमज़ोर। देखिए वुड, डब्ल्यू डबल ओ डी, वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, तो ए यू डी वुड, उसको वुड पढ़िए ठीक है। तो फॉलिंग गिरने लगे हैं, क्यों, क्योंकि क्या हो गया, लकड़ी हो गया कमज़ोर। वुड क्या हो गया, वुड 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 से याद रखिएगा, वुड फॉलिंग। अब पत्ते गिरने लगे हैं, क्यों, वुड हो गया कौन सी, कमज़ोर। वुड हो गया कमज़ोर, वुड हो गया कमज़ोर। अच्छा अगला, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद पर गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, सॉन्ग सॉन्ग यहाँ पर कौन सी लिखा हुआ है, सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, सॉन्ग मतलब गाना। गाना हम लोग कब गाते हैं, देखिए एक सिचुएशन यहाँ पर याद कीजिए आप। मान लीजिए अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, हम कहीं से आ रहे हैं, वहाँ पर हम देखें एक 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 देखें वहाँ पे भूत को, किसको देखें, भूत को। भूत क्या पहना रहता है बताइए, सफ़ेद, सफ़ेद पहना रहता है। ज़्यादातर आदमी पूछिएगा तो भूत का ड्रेस कैसा रहता है, सफ़ेद। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो सॉन्ग मतलब गानों, गानों कब गाएं भाई, जब हम देखिए वाइट मैन, देखिए यहाँ पे वाइट मैन को हम देखें, यहाँ पे वाइट, गाना कब गाते हैं, जब हम वाइट मैन को देखते हैं, वाइट मैन को जब देखें ना तो तुरंत सॉन्ग हम देख, सॉन्ग मतलब गाना गा रहे हैं। तो जैसे ही हम देखें वाइट मैन को तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। तो ये गाना हम लोग गाने लगते हैं, इसे वहाँ से भाग गए। तो देखिए सॉन्ग मतलब गाना, गाना कब गाते हैं भाई, तो वाइट मैन को देखकर, वाइट मैन, चलिए याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन ठीक। अच्छा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव सच्चा, सच्चा प्यार, स्वीटेस्ट लव सच्चा प्यार, स्वीटेस्ट लव सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार क्या हो गया, डन, सच्चा प्यार डन, सच्चा प्यार डन हो गया, सच्चा प्यार हो गया डन, मतलब डन, सच्चा प्यार डन है, डन है, डन है, डन है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।